माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ। प्रीवियस वीडियो आई टीच यू सम ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 6 एंड अपवर्ड। सिंप्लीफाई cos theta matrix cos theta minus sin theta and cos theta plus sin theta matrix sin theta minus cos theta sin theta। वेरी इजी है, इसका अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए और करिस्पोंडिंग टर्म एड कर दीजिए। देखिए दिस इंप्लाइज दैट इसका इसमें cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ तो cos theta sin theta, इसका इसमें माइनस cos theta sin theta, इसका इसके साथ cos स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 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 स्क्वायर और ये माइनस का cos थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा करिस्पोंडिंग दिस प्लस दिस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब इसका इसके साथ cos थीटा साइन थीटा, ये माइनस का है cos थीटा साइन थीटा, इसका इसके साथ माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पर इंटू है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, इसका इसके साथ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दिस इज 1, ये प्लस ये माइनस 0, ये माइनस ये प्लस 0, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये आपका आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एक्स एंड वाई इफ, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स है 7 0 2 5 एंड एक्स माइनस वाई 3 0 0 3 3 0 0 3। आपने जैसे इलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व किए थे बिल्कुल यही इक्वेशन इलिमिनेशन मेथड है, इसको क्या करेंगे एडिंग, क्योंकि बाई के काफी सेंट इक्वल है अपोजिट साइन है, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो कल 2 हो जाएगा 7 0 2 5 और प्लस 3 0 0 3। अब ये 2 मैट्रिक्स है, इनके करिस्पोंडिंग टर्म है 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0 2, प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, एक्स कल टू 1/2 10 0 2 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स कल टू 10/2 0/2 2/2 8/2, तो एक्स कल टू बी गेट 5 0 1 4। राम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई तो कल्टू कितना है आपका 7 0 2 5, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या है 5 0 1 4
प्लस वाई इक्वल टू 7025। जब ये वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मैट्रिक्स उधर घटेगा जाके, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 7025 माइनस 5014। तो वाई इक्वल टू 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4 y इक्वल टू 2101। दिस इज y, दिस इज x। इस तरह x y की वैल्यू आ गई है, मैट्रिक्स x और y फाइंड हो गए हैं। तो ये बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है, क्लास टेंथ की तरह। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, काफी सेंट इक्वल करके निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें और भी रिमेनिंग पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी है 2x प्लस 3y इक्वल टू मैट्रिक्स 2340। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू है मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको इक्वेशन 2 डाल दी। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर x के भी काफी से इक्वल नहीं है, y के भी इक्वल नहीं है। तो चाहे x के इक्वल कर दीजिए, चाहे y के इक्वल करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें करेंगे 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 4 6 4 2 जा 8 और 2 0 0। 3 से करेंगे 3 3 जा 9x और प्लस 6y इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। अब देख लीजिए माइनस 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 ये कैंसिल, 9 माइनस 4 माइनस 9 तो कितना बचेगा माइनस 5x इक्वल टू इधर 4 6 8 0 माइनस मैट्रिक्स हो गया 6 माइनस 6 माइनस 3 15। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, माइनस 5x इक्वल टू 4 माइनस 6 कितना बचेगा माइनस 2, 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 8 प्लस 3 11 0 माइनस 15 x इक्वल टू माइनस 1/5 माइनस 2 12 11 माइनस 15 एक्स इक्वल टू माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस का 12/5 ये माइनस 11/5 और ये 15/5 माइनस माइनस प्लस 3। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राम इक्वेशन फर्स्ट 2x, तो 2 इंटू x, x की वैल्यू है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3 और प्लस वाई सॉरी 3y तो कंटू मैट्रिक्स क्या है 2340। जब हम 3y इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2340 और ये माइनस का 2 का अंडर मल्टीप्लाई 4/5 माइनस के 2 से 24/5 और ये माइनस के 22/5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ ब्रैकेट लगाइए और ये माइनस, तो 3y इक्वल टू 2 माइनस 4/5 3 माइनस माइनस प्लस 24/5 4 माइनस माइनस प्लस 22/5 और 0 माइनस 6। तो y इक्वल टू 1/3 ये कितना बचेगा 5 2 जा 10 और 10 माइनस 4 6/5 ये 5 3 जा 15 और 24
15 और 24 कितना हो गया 39। ये भी 20 और 22 42/5 और ये -6। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो बायो पलटू कितना आ जाएगा 6/3 2/5 13/5 और ये 42 तो 14/5 और 3 से डिवाइड करेंगे -2। ये बाई की वैल्यू है और आपकी एक्स की वैल्यू ये है, ये एक्स है और ये बाई है, एक्स वाई है ये। इसको वीडियो सही से लगाओ कैमरा यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से ये जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से वैसे ही है। ये मैट्रिक्स है, इधर की क्वांटिटी जो नंबर होती है उनको मैट्रिक्स के रूप में सब्ट्रैक्शन करते हैं और एडिशन भी करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के 7 तक हो गए। अब आप 8 भी ऐसे ही लगा सकते हैं, ऐसे ही आपका 9 भी है, ऐसे ही आपका 10 भी है और ऐसे ही आपका 11 भी है। तो होमवर्क में 9, 10, 11 जितने भी आप कर सकें। That's all for this video. Thank you.